और बिना भगवान को भोग लगाए जब खाते हैं तो सिर्फ आप खाते हैं, भगवान का नाम लेकर के खाते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में बताया है कि जो व्यक्ति पांच व्याहृतियों का स्मरण करके भोजन करता है, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, इस तरह करके जो भोजन करता है उससे संपूर्ण प्राण तृप्त हो जाते हैं। और संपूर्ण प्राण तृप्त कहते हैं होते हैं तो संपूर्ण प्राण जिस समष्टि चेतना से जुड़ी हुई है, संपूर्ण प्राण शक्ति जिस समष्टि चेतना के साथ सूत्रबद्ध है, वह समष्टि चेतना तृप्त हो जाती है। ऐसा बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब भोजन करता है तो मानो वह संपूर्ण विश्वात्मा को तृप्त करता है। ध्यान दे सज्जनों, ये सच है। जब आप संकल्प करते हैं तो उस संकल्प में भी कोई चेतना आ जाती है और उस संकल्प के साथ ऐसा ही समझ लो, कोई वस्तु जब आपके लिए मैं निकाल करके रख देता हूं तो आप कहते हैं ये मेरी। जब तक मैंने आपके लिए निकाला नहीं था तो आपके मन में लेने का भाव व्यग्रता पैदा नहीं करता, और जब मैं आपके लिए निकाल कर रख दूं तो आपके मन में उसको लेने के लिए व्यग्रता पैदा हो जाती। क्यों? आप कहते हैं ये मेरी। इसका है अर्थ, संकल्प में बहुत बड़ा एक चेतन भाव है। तो जब आप कुछ करते हैं तो इसी का नाम है भक्ति। वह भक्ति उदय हुई, भक्ति साकारित हो गई, आकार ले लेती है, भक्ति आकार पा जाती है। और वृंदावन में जो भक्ति थी वो अचानक हरिद्वार पहुंच जाती है जहां पर आयोजन हुआ था। तो श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में जो प्रथम कथा हुई है वो तो परीक्षित जी को माध्यम बना करके, और दूसरी कथा हुई है हमारे भक्ति के समस्या के निदान के संदर्भ में, उसी भक्ति के महात्म्य के संदर्भ में। जिस समय भक्ति वहाँ प्रवेश करती है, सनक सनंदन सनातन और जितने भी ऋषि मुन थे वो सब वहाँ पर आ गए हैं, और सुखदेव जी महाराज भी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज जब उपस्थित होते हैं तो सुखदेव जी महाराज ने खुद कहा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। ये जो श्रीमद् भागवत है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का फल है। ध्यान दें सज्जनों, आप वृक्ष की औषधि के रूप में कभी छाल प्रयोग कर सकते हैं, वृक्ष की पत्तियां प्रयोग कर सकते हैं, वृक्ष की लकड़ियां भी काम में ले सकते हैं, लेकिन वृक्ष को खा पी नहीं सकते। लेकिन अगर वृक्ष में सारतम कुछ है वह है फल। जो वृक्ष फलवान नहीं होता वह वृक्ष आदरणीय नहीं होता। तो इस वेद रूपी वृक्ष का फल है या श्रीमद् भागवत। इस श्रीमद् भागवत के लिए ऐसा समझ लें, कल्प तरु वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन कितने संकल्प करोगे? चलो संकल्प आपका पूरा हो गया, आप निश्चित ही संकल्प करने में चूक जाओगे। आप अभी हम कहें कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठने का यदि आपको अवसर मिल जाए तो आप क्या चाहेंगे? निश्चित ही भूल कर जाओगे। मैंने ये कहा है क्या चाहोगे, आप तुरंत ये जानना चाहेंगे मेरी ये जरूरत है,
ये तो सब ठीक है, लेकिन अपने लिए कुछ चाहा? भूल हो जाएगी। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी आप संपूर्ण अर्थ में आप संकल्प नहीं कर सकते, कुछ न कुछ भूल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। लेकिन यदि आप उस कल्प तरु का फल खा लेते हैं, आपको संकल्प नहीं करना होगा, तब आपको संकल्प नहीं करना होगा, तब आपको जो भी आवश्यक है वह सब कुछ आपको खाने से मिल जाएगा। संकल्प करने में भूल हो सकती है, और संकल्प बिना किए हुए भी आपकी हर व्यवस्था को पूरा कर दे, वह फल कहीं ज़्यादा सुंदर है। उस फल की बात की, और जब भक्ति ने प्रवेश किया है थोड़ा सा हम बोल भी लें। भक्ति ने कहा है हम कहाँ रहें, भक्ति को हम कहाँ रखें, ध्यान देना सज्जनों, भक्ति को हाथ में रखना है कि गले में रखना है, अब इसी से समझ लेना, भक्ति को गले में रखना है कि हाथ में रखना है कि ललाट में रखना है, कहाँ रखना है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हन्त्री, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हन्त्री। भक्ति गोविंद भगवान के स्वरूप को जो आकारित कर दे, प्रेमैक धरती, ध्यान देना, आप रुचि और विस्मृति, रुचि तो होती है लेकिन विस्मृति आ जाती है, भगवान में आपकी आस्था तो है, भगवान में आपकी निष्ठा तो है, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा तो है, लेकिन विस्मृति आ जाती है। और विस्मृति कब खंडित नहीं होती, स्मृति आती ही तब है जब प्रेम हो। तो कहा प्रेम हो तो प्रेमैक धरती भव रोग हंत्री, संसार रूपी रोग को, संसार रूपी व्यवस्था को जो खत्म करने वाली है। सा तुम च तिष्ठस्व सुधैर संश्रया निरंतरम वैष्णव मानशानी। आपसे मैंने पूछा था भक्ति को आप कहाँ रखोगे, गले में रखोगे, माला के रूप में रखना, माला छोड़ना मत, लेकिन माला के साथ साथ कबीर ने कहा माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माई, मनुआ तो दस दिशी फिरे, ये तो सुमिरन नाई। तो सुमिरन का मतलब है मन में हो, मन में। यहाँ पर भी कहते हैं सा तुम च तिष्ठस्व सुधैर संश्रया निरंतरम वैष्णव मानशानी, मन में तुम निवास करो। तो भक्ति को आप कहाँ रखेंगे, मन में। अब इस भक्ति की जब चर्चा चल रही थी और भक्ति का जो प्रश्न था, उसकी जो समस्या थी, वह शांत हुई, इसी के साथ देवर्षि नारद को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने एक इतिहास सुनाया है।
वह इतिहास आपने सुना है धुंधकारी का। ध्यान दें, ये श्रीमद् भागवत अपनी महिमा को बता करके, अपने महात्म्य को बताकर श्रीमद् भागवत का संपूर्ण निचोड़ आपके सामने रख रहा है। हमारी शास्त्रीय एक सूचना है, घोषणा है, वह है तीन ऋणों की, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। देव ऋणी को पूरा करने का माध्यम है यज्ञ आदि, यज्ञ आदि, यज्ञ का अनुष्ठान हमारे पूरे प्रकृति में व्याप्त वायु और आकाश को स्वस्थता प्रदान करता है। न मालूम कितने, ध्यान देना, जर्म्स, औषधियाँ क्या है, किसी को सर्दी हो गई हो तो सूंठ और गुड़ मिलाकर के उपचार किया जाता है, लेकिन ध्यान दो, जब यज्ञ में वही सामग्री, वही सुगंधित द्रव्य आहुत के रूप में डाले जाते हैं तो क्या वह हमारे जीवन में स्वस्थता का सृजन नहीं करेंगे? निश्चित ही आग में कोई भी चीज डाल देने के बाद अपने आप में विस्तृत हो जाती है, कई गुना वह अपने प्रभाव में प्रबल हो जाती है। तो यज्ञ, जब हम देव का मतलब है हमारे आसपास प्रकृति के विभिन्न घटकों में जो जीवन की विशेषता है, हमें वह अनुदान के रूप में मिली हुई है। हम कभी वायुदेव के रूप में, ध्यान देना, सूर्य देव के रूप में, इंद्र के रूप में, हमारी ये जो भारतीय जीवन में देवताओं की मान्यता है वो केवल प्रकृति के तल पर हमारे आसपास ही नहीं, किंतु वह हमारे आध्यात्मिक अर्थ में हमारे शरीर में भी है। जिस तरह से बताया गया है, इंद्र के देवता, आगे चल करके हम बताएंगे, इंद्र के देवता हाथ हैं, आँखों के देवता सूरज हैं, नासिका के देवता अश्विनी कुमार हैं, इसी तरह से कानों के देवता दिक्पाल हैं और पैरों के देवता भगवान नारायण को बताया गया है, विष्णु को। क्यों? भगवान विष्णु, इस संबंध में चर्चा हम बाद में करेंगे, एक संक्षिप्त चर्चा। भगवान विष्णु उद्योग का प्रतीक है। ध्यान देना, तीन शक्तियां हमारे जीवन को चला रही हैं। ये हमारे देवताओं का आध्यात्मिक रूप है, कैसे है ये बता रहे हैं। आप जब बोलते हैं, बोलने की शक्ति को वाग देवी कहा है, और जब भी आप बोलते हैं तो आपके पास अर्थ का चिंतन है कि नहीं? अर्थ का चिंतन करने के साथ ही तो आप बोलते हैं ना। अर्थ का भी अपना एक शास्त्र है, बोलने का भी अपना एक शास्त्र है। ध्यान देना, आप किसी को जब प्रेम से दो शब्द बोलते हैं तो तुरंत आपका काम हो जाएगा। आप बोलते हैं तो बेकाम तो नहीं बोलते ना। ध्यान दें, जब बोलते हैं तो वाणी से, और जब बोलते हैं तो ये सोच करके कि काम होना चाहिए। काम का संबंध किसके साथ है? आपके साथ, और वो होगा एक शास्त्र। ध्यान देना, बोलने की अपनी एक भाषा है और बोलने का अपना एक ज्ञान है। ज्ञान को बताया है ब्रह्मा और वाणी को बताया है सरस्वती। ये संसार का जितना भी उद्योग बना है ये सब किससे बना है? ज्ञान से। और ज्ञान से जब बना है तो आपने जब कहा कि ये करो तभी तो हुआ ना। ये जो करने की बात किससे हुई? ज्ञान से। और ज्ञान किससे प्रकट हुआ? वाणी से। यह है ब्रह्मा और महासरस्वती का रूप। लेकिन ध्यान दो, ये हुआ किससे? बिना पैसे के हुआ नहीं? हुआ,
उस पैसे का ही प्रतीक है आपके सामने महालक्ष्मी। लेकिन महालक्ष्मी किसके साथ में है? अर्थ तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक उद्योग नहीं होगा। उद्योग, उद्योग के अधिष्ठाता देव हैं भगवान विष्णु, और उद्योग की सिद्धि किससे होगी? उद्योग की सिद्धि किससे होगी? पैरों से। बिना चले कोई उद्योग होगा? बिना चले उद्योग नहीं होगा, और बिना किए उद्योग नहीं होगा। ध्यान देना, चल करके और हाथों से करके जो उद्योग सिद्ध होता है, उस उद्योग से सफलता का भोग कौन करता है? सफलता का भोग करने वाला आपके अंदर बैठा हुआ आत्मा है। तो उद्योग का प्रतीक बन गए भगवान विष्णु और महालक्ष्मी। ध्यान दें सज्जनों, इसी तरह से जो महाकाली है, महाकाली का मतलब क्या है? आपको दिखता है देवी सरस्वती के हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, महालक्ष्मी के हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, लेकिन अस्त्र किसके हाथ में है? खुला अस्त्र काली के हाथ में। काली संहार की प्रतीक है। संहार का मतलब है किसी भी व्यवस्था को अब रोक दो, रोक दो। चलो हम आपको बताते हैं, रोकने में भी कभी कभी अगर अच्छा हो रहा है तो भी कभी रोकना पड़ता है। आप कहें कैसे? अभी कथा चल रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी इसको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं विराम तो लाना पड़ेगा ना। और कथा जब चल रही है तो कथा में कुछ आप छोड़ रहे हैं और कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं। हमारे जीवन का व्यापार भी इसी में चलता है। कुछ हम छोड़ रहे हैं, जो गलत है उसको छोड़ रहे हैं, और जो और कुछ पाना है उसको पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो छोड़ना और पकड़ना और किसी को विराम देना, ये काल की व्यवस्था में काली के हाथ में है। लेकिन ध्यान दें, यह सब किससे करना होगा? बिल्कुल समझ बूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ, विवेक के साथ। उसी विवेक का प्रतीक हैं, संतुलन का प्रतीक हैं, संयम का प्रतीक हैं बाबा जी। संतुलन संयम का प्रतीक हैं बाबा जी। तो बाबा जी के साथ में महाकाली है। इस प्रकार ये हमारे देवताओं के आध्यात्मिक रूप हैं। जब हम शास्त्र में प्रवेश करते हैं तो शास्त्र